हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की जो एसएससी जेई की 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चंस है कि साउंडनेस जो होती है, साउंडनेस टेस्ट जो किया जाता है, यानी कि सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो मतलब क्या निर्धारित करता है। तो साउंडनेस टेस्ट दो तरीके से किया जाता है, एक तो लाइम के लिए किया जाता है और एक मैग्नीशिया के लिए किया जाता है। मैग्नीशिया और लाइम के लिए, ठीक, एक लाइम के लिए और एक मैग्नीशिया के लिए। तो लाइम के लिए जो किया जाता है, यानी कि, तो वो आपका होता है लीच एटियर एपरेटस से करते हैं। लाइम के लिए लीच एटियर एपरेटस से, मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव से करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि जो साउंडनेस टेस्ट होता है सीमेंट में, वो क्या डिटरमिनेट करता है। तो सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट होता है वो क्वालिटी ऑफ द फ्री लाइम डिटरमिनेट करता है, यानी कि लाइम की क्वालिटी क्या है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि 150 mm की तुलना में, यानी कि 150 mm का क्यू है, 100 mm का क्यू है, तो 150 mm की तुलना में 100 mm के घन की संपीड़न सामर्थ्य हमेशा होगी। यानी कि ध्यान रखना, कभी भी 150 mm की तुलना में 100 mm, यानी कि 100 mm की क्षमता पूछ रहा आपसे, तो 100 mm की जो संपीड़न क्षमता होगी वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी। 150 mm की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 100 mm वाली क्यू की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन से अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो वो ये कह रहा है कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। गलत। जिप्सम क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को हल्का सा इंक्रीज करता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। फर्स्ट जो सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो C2S होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि जिप्सम डिक्रीज करता है सेटिंग टाइम को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन होता है, तो वाटर के साथ जब फर्स्ट रिएक्शन करता है वो C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट होता है। बल्किंग ऑफ सेंड इज लेस, पार्टिकल आर फाइन जो सेंड होती है वो कम, मतलब बल्क होती है, यानी कि जो वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज जो होती है, यानी कि जो फूल जाती है वो किसके कारण। तो जो कह रहा है कि फाइन वाली कम फूलती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, क्योंकि फाइन सेंड जो होती है कोर सेंड की अपेक्षा ज़्यादा बल्किंग होती है। तो सारे स्टेटमेंट सही, यानी कि सारे स्टेटमेंट गलत हैं, तो इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दी, ऑल ऑफ दी की जगह क्या होना चाहिए, नन ऑफ दी, तो यानी कि नन ऑफ दी हो जाता है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मिनिमम परसेंटेज इंग्रेडिएंट बता दीजिए। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 से 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है 0.5 से 4%, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 0.5 से 6%, एलमुना कितना होता है आपका 5 से 8%, लाइम कितना होता है 60 से 65%। तो देखते हैं कि वो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम, तो मिनिमम जो होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इंग्रेडिएंट में जो होते हैं, तो सीमेंट का जो, यानी कि तत्व होते हैं, रासायनिक सामग्री जो होती है उसमें जो न्यूनतम प्रतिशत होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, हमेशा लाइम का होता है। मिनिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैक्सिमम लाइम। अगला है कि रासायनिक अवयवों के सही अनुपात का चुनाव कीजिए, रासायनिक में सही अनुपात का चुनाव कीजिए। तो आपको बताना है कि लाइम कितना होता है, लाइम होता है 63%, यानी कि पहला सही है, लाइम कितना है 63, सिलिका कितनी है 22, एलमुना कितना है 6, और आयरन ऑक्साइड 3, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, सिलिका वो कह रहा 63%, सिलिका 63 गलत हो जाएगा, एलमुना 62 63%, ये भी गलत हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड 63। तो पहला कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट कन्फर्म है कि जो लाइम होती है वो 63, सिलिका 22, एलमुना जो होती है वो 6%, और आयरन ऑक्साइड 3%। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो सही कथन का चुनाव कीजिए, लाइम जो होती है, लाइम इन एक्सेस कॉज द सीमेंट इज एक्सपेंड टू डिसएग्रीगेट, चूने की अधिकता से सीमेंट का फैलाव और विकृत हो जाता है। तो लाइम इन एक्सेस, जब लाइम अधिक होता है
तो सीमेंट में अधिक विघटन होता है, यानी कि फैला होता है। स्टेटमेंट सही है। सिलिका इज एक्सेस और सीमेंट इज सेट स्लोली। एलमिना इज एक्सेस और रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जब लाइम अधिक हो जाएगा तो सीमेंट एक्सपेंड हो जाएगा डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि ये सही है। सिलिका जब एक्सेस हो गई तो कॉज द स्लो सीमेंट इज सेट स्लोली, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब सिलिका अधिक हो जाएगी तो आपका जो सीमेंट है वो सेट रैपिडली होगा, तो ये गलत है। एलमुना इज एक्सेस हो गई तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस, ये भी सही है। यानी कि अगर देखा जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो ए और सी दोनों स्टेटमेंट कन्फर्म है, दोनों स्टेटमेंट कन्फर्म। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट ऑर्डनरी पोर्टलैंड के हिसाब से बिल्कुल सटीक है, इनकी सही होगा। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आईएस चालनी संख्या 9, यानी कि आईएस सीव नंबर 9 के अनुसार जो अपशिष्ट है 96% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट अभी कन्फर्म है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, साउंडनेस बैरीज करना चाहिए 5 से 10 mm, तो ये गलत है, बैरीज नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन से, 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने एमएम से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 mm से। तो इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 दिन की होती है वो 175 kg होती है, ये गलत है। 7 दिन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी आती है, 22। 7 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है, 22। तो याद रखना, यानी कि अगर बात करें कि ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्टेटमेंट सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट है। रेजिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% सी थ्रू आउट, और ये सी वाला भी हो सकता है, तो ये सी दोनों सही हैं। कॉमर्शियल नेम वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट का कॉमर्शियल नेम क्या होता है, क्लोरोकीट, रेनबो सीमेंट, सिल्वीक्रीट, यानी कि सारे आंसर सही हैं। वाइट सीमेंट के नाम होते हैं क्लोरोकीट, वाइट सीमेंट को क्लोरोकीट, रेनबो सीमेंट, सिल्वीक्रीट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे नाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैपिड इनिशियल सेटिंग टाइम, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट का, रिटॉर्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम, तो इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटॉर्ड कौन करता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटॉर्ड करती है जिप्सम, क्या करती है, जिप्सम। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस, क्विक सेटिंग सीमेंट जो होती है, यानी कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या प्रोड्यूस करती है, क्या ऐड करना चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, अभी पहला स्टेटमेंट सही है। मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम वेरी, ये नहीं हो सकता। एल्युमिनियम सल्फेट इज अ वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, पोजलाना इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। अगर वो कह रहा है कि क्विक सेटिंग इज प्रोड्यूस, क्विक सेटिंग की जब बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस एडिंग कर रहे हैं, तो लेस अमाउंट होना चाहिए जिप्सम का वेरी पाउडर्ड फॉर्म, तो ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर यहाँ होता है कि लेस अमाउंट एल्युमिनियम सल्फेट इज अ वेरी फाउन पाउडर फॉर्म होता, तो ये भी सी कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर सी इसलिए कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर पहला वाला ज़्यादा सही आंसर होगा। क्विक सेटिंग सीमेंट प्रोड्यूस जो करता है वो लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इज वेरी फाइन पाउडरेट फॉर्म। पी द परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, किस में पूछ रहा है, परसेंटेज बता दीजिए। जब आप नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर एडिंग डिटरमाइन इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम वाला टेस्ट करते हैं, तो वाटर कंसिस्टेंसी कितने लेते हैं, तो जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं तो वाटर कंसिस्टेंसी जो ली जाती है वो कितना ली जाती है, 0.85। पोजलाना सीमेंट जो यूज करते हैं कॉन्फिडेंट, कहाँ कहाँ, डैम में, मास अबटमेंट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो पोजलाना सीमेंट सभी में प्रयोग की जा सकती है। पिच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो अब इनकरेक्ट की बात करते हैं। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग जो होती है सीमेंट को उसको हम फाइनेंस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नॉन एज अ सेटिंग सीमेंट, प्रोसेस इज चेंज इन अ सेटिंग सीमेंट, सेटिंग सीमेंट, अभी स्टेटमेंट गलत करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग, जब आप डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग करते हैं यानी कि उसको महीन पीसते हैं तो उसको हम फाइनेंस कहते हैं। डिग्री ऑफ उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं, तो फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू द हार्ड मास इनटू नॉन एज अ सेटिंग, यानी कि जब बाय चेंज पेस्ट से किस में चेंज हो रही, हार्ड में, तो उसको सेटिंग कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है।
द फिनोमना ऑफ वर्च्यू द सीमेंट डज नॉट अलाउ टू ट्रांसमिट ऑफ साउंड सो नॉन एज अ साउंडनेस। तो ये इनकरेक्ट है। साउंडनेस क्या होती है सीमेंट की? लाइम के कारण एक्सपेंड होती वो की, ना कि साउंड ट्रांसमिट होती है। तो ये गलत है और बाकी सारे स्टेटमेंट सही होंगे। डायामीटर ऑफ प्लंजर बिकाट प्लंजर 10 mm। डायामीटर बिकाट प्लंजर के कितना होता है? 10 mm। तो लेंथ वेरीज कितनी करेगी? 40 से 50 mm। लेंथ कितनी होगी? 40 से 50 mm वेरीज करेगी। अब आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर बता दीजिए। यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे 1500 ग्राम सीमेंट के लिए है, सीमेंट है जस्ट सीमेंट पेस्ट कितना? 7875। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको ज्ञात करना है। तो वेट ऑफ अ वाटर और वेट ऑफ अ सॉलिड करेंगे। तो वेट ऑफ अ वाटर कैसे पता करेंगे? वेट ऑफ अ वाटर 1875 में से 1500 आप क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, बटे 1500 इंटू मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये आंसर आएगा आपका 25%। तो जो पेस्ट होगा 25%। स्फेसिक ग्रिप्टी जो होती है स्क्वायर की, स्फेसिक सरफेस में जो एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी कि इसको हम अगर कहें तो फाइनेंस की यूनिट भी होती है। ये फाइनेंस की यूनिट, यानी कि जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस जो होता है यानी कि महीनता की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है। साधारण सीमेंट के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। रैपिड हार्डनिंग के लिए कितनी होती है? 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। तो आपसे पूछा गया कि पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया? 3250। अगला क्वेश्चन है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड का जो हम रेशियो लेते हैं वो कितना लेते हैं? 1:3 लेते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। परसेंटेज जो लेते हैं P/4 × 3 लेते हैं। मोल्ड हम 10/10 का, और आपको दे रखा है कि केप्ट इज अ एटमोस्फेरिक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने रखते हैं? 90% पर जो भी टेस्ट किया जाता है वो कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं? 90%। तो ये स्टेटमेंट डी वाला गलत है। डेवलप ऑफ स्ट्रेंथ सीमेंट इज अ फाइनेंस। जो फाइनेंस होती है, डेवलप ऑफ स्ट्रेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो फाइनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली होती है। फ्लैश सेटिंग, तो फ्लैश सेटिंग क्या होता है? फ्लैश सेटिंग मतलब आपका जो प्रारंभिक जमा हो जाता है, जम जाती है जब सेट होती है, तो उसको हम कहते हैं प्री मैचरिंग हार्डनिंग। क्या कहलाती है? प्री मैचरिंग हार्डनिंग, यानी कि अपरिपक्व कठोरतम। यानी कि अपरिपक्व कठोरतम का मतलब ये है कि सीमेंट फ्लैश सेट का मतलब प्रारंभिक सेट, यानी कि यहाँ पे वो जम तो गई है बट स्ट्रेंथ बिल्कुल भी ग्रहण नहीं की, शुरुआती में जमा, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्लैश टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम जितना ही कंप्लीट होता है उसके जो जम जाती है उसको हम कहते हैं फ्लैश टाइम। फिर धीरे धीरे 10 घंटे बाद फाइनल सेट, यानी कि इसके बाद स्ट्रेंथ ग्रहण कर सकती है, उस पर कुछ लगाएं तो वो हटेगी नहीं, तो उसको कहते हैं हम प्री मैचरिंग हार्डनिंग। आफ्टर कास्टिंग के बाद ओर्डिनरी सीमेंट क्या करेगी? श्रिंकेज करती है। क्या होती है? श्रिंकेज होती है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन। ट्राइकैल्शियम डाइकैल्शियम ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ऑल ऑफ दी, यानी कि सारे अपने आप क्रिया करते हैं, चारों क्रिया करते हैं, तभी तो हाइड्रेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। जो टेम्परेचर को जलाया जाता है रोटेटरी क्लिन में जलाया जाता है वो कितना? तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1400 °C से 1600 °C के बीच होना चाहिए, 1400 से 1600 °C। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1400 से 1500 °C आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट को मिक्सचर करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1400 °C लगाना है, 1600 °C लगा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम रेंज होती है 1400 से 1600 के बीच, तो 1400 लगाएंगे। क्वालिटी ऑफ कंट्रोल सीमेंट इज अटेस्टेड। क्वालिटी कंट्रोल सीमेंट टेस्ट के लिए सेटिंग टाइम, इनिशियल साउंडनेस सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, ऑल ऑफ दी।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट में वह यौगिक जो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है, इमीडिएटली फर्स्ट सेट, सबसे पहले क्रिया कौन करता है, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट क्रिया करता है, सबसे पहले क्रिया कौन करता है, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट करता है। द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट का पर्पज क्या होता है कि उसमें लाइम कितना है, फ्री लाइम कितना है, तो सीधी सीधी बात है साउंडनेस टेस्ट का पर्पज क्या होता है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ लाइम कितना है, फ्री लाइम कितना है। क्यूरिंग पीरियड इज अ मिनिमम, क्यूरिंग पीरियड मिनिमम किसका होगा, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा हार्ड जल्दी स्ट्रेंथ ग्रहण करेगी उसी का तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होगा, यानी कि रैपिड हार्डनिंग क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग का मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होगा रैपिड हार्डनिंग। द प्रेजेंस ऑफ फ्लोइंग केमिकल इफ्लुरेंस किसके कारण आता है, तो इफ्लुरेंस आपका एल्कलीज के कारण आता है, किसके कारण आता है, इफ्लुरेंस किसी में भी उपस्थित होता है तो एल्कलीज के कारण आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ली चेटियर एपरेटस, तो ली चेटियर एपरेटस से क्या स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी क्या ज्ञात करते हैं, साउंडनेस ज्ञात करते हैं, ली चेटियर एपरेटस से साउंडनेस ज्ञात करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट पोर्टलैंड सीमेंट में, तो सबसे पहली बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है लाइम, यानी कि आपका 63% फिर उसके बाद होती है सिलिका, लगभग सिलिका कितनी होती है 22%। तो सर्वाधिक कौन होते हैं, दोनों ही होते हैं, तो मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका। मैसिव जो डैम कंस्ट्रक्शन में प्रयोग की जाती है, मैसिव डैम यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, तो लो हीट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, किस सीमेंट का प्रयोग करते हैं, लो हीट सीमेंट का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीडेशन हायर परसेंटेज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो हायर परसेंटेज यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, तो आयरन ऑक्साइड का 63% होता है, मैग्नीज का 0.5 से 4%, मैग्नीज का 0.5 से 4 आयरन ऑक्साइड का होता है 0.5 से 6%, आयरन ऑक्साइड का 0.5 से 6%, मैग्नीज का जो होता है वो 0.5 से 4%, 0.5 से 4%, कैल्शियम ऑक्साइड होता है सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 60 से 65%, और एलमुना जो होता है वो होता है 5 से 8 यानी कि 3 से 8%, 5 से 8 यानी 3 से 8 एलमुना होता है 3 से 8। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है वो किस में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, किस में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में। ओलिक एसिड जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, ओलिक एसिड कौन सी सीमेंट बनाई जाती, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में ओलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट में ओलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट सीमेंट लीस्ट परसेंटेज होगा, व्हाइट सीमेंट में लीस्ट परसेंटेज यानी कि जो कलर देता हो, तो कलर कौन देता है आपका, आयरन ऑक्साइड, तो लीस्ट परसेंटेज किसका होगा, आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट यानी कि यहाँ पे क्या लिखा, CaSO4 यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम, यानी कि CaSO4 2H2O लिख देते हैं तो ये क्या हो जाती है, जिप्सम। तो जिप्सम क्या होती है, एक रिटॉर्डर। तो ध्यान रखना कंक्रीट में कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, एक रिटॉर्डर का कार्य करता है, क्या करता है, एक रिटॉर्डर का कार्य करता है। रॉन्ग स्टेटमेंट ली चेटियर एपरेटस के लिए, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक, ली चेटियर एपरेटस एक्सपेंडेड पोटेंशियल टू सीमेंट, ये भी बात सही है, एस्टीमेट प्रेजेंस इन मैग्नीशिया इन सीमेंट, यानी कि स्टेटमेंट बी गलत है कि लाई चेटियर एपरेटस किसके लिए किया जाता है, फ्री लाइम कंटेंट के लिए किया जाता है, यानी कि लाइम के लिए किया जाता है, मैग्नीशिया के लिए क्या किया जाता है, ऑटोक्लोब मेथड से हम साउंडनेस ज्ञात करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 28 दे की स्ट्रेंथ और 7 दे की स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई बता दीजिए कितना होगा, तो 3/2। हमने अभी तक पता है कि 7/28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 2/3 होती है, तो आपसे 28/7 पूछा गया, यानी कि 3/2 मल्टीपल 1.5 कितना होगी, 1.5 कितनी होगी, 1.5। अगला क्वेश्चन है ऑप्टेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसे प्राप्त करती है, तो देखिए मॉडरेट होती है, मॉडरेट रेट, स्लो नहीं ना वेरी ना फास्ट, तो मॉडरेट रेट 1200 डिग्री सेल्सियस से 15 मिनट में 500 डिग्री तक, और 500 डिग्री से एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि इनिशियल टेम्परेचर पर पहुंचती है 15 मिनट में, तो आपकी क्या होगी, मॉडरेट वाला होगा आंसर, मॉडरेट रेट होता है, याद रखना जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रेट। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं, उसमें आप हमारे पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।